श्रद्धा कपूर हैं, चाहे दीपिका पादुकोन है, पादु है जो भी हैं, चाहे कंगना के साथ हमने थिएटर के वक्त में हम साथ में रहे विकी कौशल oh. एक थे जिनके कार एक्सीडेंट में आ, पैर और यू नो हाथ नहीं रहे फिर भी उन्होंने अटेम्प्ट करके एग्जाम क्लियर किया और जो आई नहीं बनता वो आई जिंदगी जिंदगी नहीं होती और क्या गारंटी की हम आई बन भी गए तो किसी पांचवी पास को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा मैंने सोचा अच्छा ही हुआ आपने मेरी फिल्म का रिव्यू नहीं किया पता नहीं क्या क्योंकि इन्होंने हमारे साथ की जो फिल्म को रिव्यू किया था ना उसको उन्होंने लिखा था कि इनको मानहानि का केस कर देना चाहिए फिल्म मेकर के ऊपर तो मैंने कहा प्रभु वो, बच गए की आपने हमारी फिल्म का रिव्यू नहीं किया स्वागत है आपका आप देख रहे हैं एबीपी लाइव मैं हूं श्रुति सोढ़ी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अभी अब दिल्ली दूर नहीं के एक्टर्स मौजूद हैं यहाँ अरे पूरा इंट्रोडक्शन आप मत दीजिए अब आप न्यूज एंकर नहीं रही हैं आप फिल्म स्टार बन चुकी हैं

कम थिएटर होने के बावजूद भी जब लोगों के साथ किरदार जुड़ने लग जाता है और लोग कनेक्टेड से महसूस करने लग जाते हैं तो खुद ब खुद मतलब कहते हैं कि मैंने किसी एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू पढ़ा था कि, कि बेस्ट पिया तो तो जब आप शुरू करते हैं तो सब लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल और बड़ी शानदार फिल्म है हर जगह से रिस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त है हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू किए होंगे लेकिन आज वाला इंटरव्यू जरा डिफरेंट होने वाला है जरा अलग होने वाला सो बी रेडी क्योंकि आपको हर तरह का सवाल जो है वो

कास्टिंग वालों को मैंने अपना प्रोफाइल भेजा बट एक महीने के अंदर जो कि होता नहीं easy, so कि है दिस इज नॉट दैट इजी सो कोई ऐसा मत कि बॉम्बे जाते हैं ऐसा होता है लोगों को सालों लग जाते हैं तो मुझे मेरी पहली पंजाबी फिल्म ऑफर हुई और वो बहुत पॉपुलर हो गई मिस्टर मिसेस नाम था फिर उससे मुझे दूसरी मिली दूसरी से तीसरी मिली फिर मेरा तेलगू डेब्यू हुआ मुझे साइमा में नॉमिनेशन मिल गया सो तो जर्नी चलती गई और अब मुझे आज दस साल हो गए अच्छा लगा बस हेडलाइंस पढ़ने को नहीं मिली तो थोड़ा मिसिंग लगा कि मैं यहाँ तक क्यों रुक गई अब आप हेडलाइंस बना रही हैं so, कि आपको हेडलाइंस पढ़ने को नहीं मिली बट अब खबर बनाने वाले भी वो क्या कहते हैं ना कि खबर बन गए वाला, अब तो आपके बारे में इतनी हेडलाइंस छपी हैं तो जाहिर है वो ज्यादा अच्छा लगता होगा

मैंने देखा कि मतलब बड़े सारे आपके स्टूडेंट्स हैं बड़े सारे आपके साथ काम करने वाले हैं so, अब एक पर्सपेक्टिव जब सामने वाला हमें कहता है कि अरे सर एक सेल्फी लेते हैं आम लोगों के लिए तो ठीक है आपने फिल्म की लोगों ने देखा वो आपको एज एन एक्टर जानते हैं लेकिन वो लोग जिन्होंने देखा है कि इमरान दस साल से पंद्रह साल से क्या कर रहे थे जब वो लोग मिलते हैं और ऐसा होता है तो तब क्या महसूस होता नहीं, है नहीं बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप जब एक बहुत छोटे शहर से आते हैं और आपका एक अपने एक सपना देखा हुआ होता है चूंकि आप कुछ भी कर रहे होते हैं बैक ऑफ द माइंड थिएटर और एक्टिंग थी आपके जहन में और कई साल उनसे थिएटर करता रहा हूँ लेकिन फिल्म अल्टीमेट होता है इस लाइक कि आप क्रिकेट खेल रहे हों, आप डोमेस्टिक खेल रहे हों रंजी खेल रहे हों आईपीएल खेल रहे हो लेकिन जब यू इट टू द इंडियन क्रिकेट टीम में जब आप पहुँच जाते हैं तो इस लाइक दैट कि और आज का वक्त में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि क्या सिनेमा थिएटर में रिलीज़ होगी और जब आपको ये पता चलता है कि आपकी सिनेमा को थिएटर मिल रहा है वो रिलीज़ हो रही बेशर तक कम मिल रहा हो और जब उस बड़े पर्दे का ख़्वाब जिनको अभी तक आप देखते आए थे एक सपना होता है और मेरे शहर छोटा सा है बुकारो स्टील सिटी है जब वहाँ के पीवीआर पे ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सेल के चेयरमैन सब लोगों ने जा के देखा पूरा एक तीन का थिएटर जब फुल था पी का तो एक अलग सी खुशी होती है मतलब आपको लगता है कि हाँ मतलब जो सपना देखा था मैंने वो पहुँच गया अनलाइक जैसे हम आज सिविल सर्विसेज़ के रिज़ल्ट आए हैं लोग बात कर रहे हैं बातचीत हो रही है आपके पास मौका मिलता है कि आप मेहनत करके एक दो चार पाँच दस आठवें अटैम्प्ट तक में सिविल सर्विस निकाल सकते हैं बॉलीवुड में कोई रूल ही नहीं है कि आप उसको क्रैक कर सकते हैं आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं है तो उस दौर में आप एक सोलो हीरो के तौर पे आते हैं और जहाँ आठ दस फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं उसके बीच में भी आपकी फिल्म एटलीस्ट लोगों के दिल को टच करती है रिलीज हुई थी थी मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक दो शायद काफी छोटी तो उनके नाम तो आठ फिल्मों के बीच में एटलीस्ट आपको लगता है कि आपने बहुत पैसे निकल लोगों के दिलों को छू गया है और यकीन जानिए कि अचानक से हमारे पास एक कॉल आता है हमारे प्रोड्यूसर विनय भारद्वाज के पास कि वी वांट टू स्क्रीन दिस मूवी इन एंड

तो आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट मैन की नज़र आपकी उस फिल्म पे चली गई जो एक आम आदमी के स्ट्रगल की कहानी तो मतलब दिल जिसको कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाना क्लाउड नाइन पर आप पहुंच जाते हैं तो खुशी होती है कि एटलीस्ट जब आप मेहनत करते हैं और उस जगह के लिए मेहनत करते जहां जहाँ के लिए कोई रास्ता है ही नहीं कोई इम्तहान नहीं है कि आपने इम्तहान दिया और आप एक्टर बन गए आपके लिए कोई रास्ता नहीं है और उसके बीच में दिल्ली में रहते हुए मु, अम्बानी मुकेश अम्बानी के ऑफिस से अगर मेल आता है फोन आता है तो इट्स लाइक एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए जीत जीते आपने खूब अम्बानी की खबरें खूब पड़ी होंगी मतलब आई थिंक अनगिनत खबरें पढ़ी होंगी एंड हाउ यू फेल्ट कि

आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मुझे तब बताया था उन्होंने जब हम लोग सी एस ओ आई में थे और हम ऑलरेडी स्क्रीन करे थे सिविल सर्विसिज जितने भी ऑफिसर्स हैं uh, उनके लिए फिल्म तो आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑनस्टली दैट वीअर एबल टू डू समथिंग लाइक दैट बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं होता फ्राम अ स्मॉलर बजट फिल्म स्मॉलर स्केल फिल्म एंड ऑल्सो विच डजन हैव योर द स्टार्ज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड उसके बाद फिर जब ये मेरे लिए खबर फिर ये हो गई कि ओके एंड देन वुट हैपन वस की ये खबर इतनी वायरल हो गई क्योंकि मेरे जान पहचान में हम लोगों का फैमिली सर्कल बहुत बड़ा है फिर पापा मुझे भेजते गए कि मुझे रोज़ यहाँ पे कई दो तीन लोग या तीन चार पाँच लोग रोज भेज रहे हैं कि अरे ये खबर आई हुई है दिस इज सच अग न्यूज पीपल वर पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट दट फॉर दिस टू हैपन इट्स अ बिग डील

तो मेरे दो मिनट आया थोड़ा टाइम आया ख्याल में थोड़े दिन के लिए कि ये मैं कर सकती हूँ बिग डील टू क्रैक एन एग्जाम ऑफ दिस सो लेकिन फिर मैंने गिव अप कर दिया आई तो थिंक <laughs> तो तो नौकरी मिल रही है मुझे कैंपस प्लेसमेंट से मैं वहीं पर थोड़ी खुश रहती mm. हूँ दिस इजूज मतलब बहुत ही लंबी जर्नी है इनकी सो आपने तो देखिए मैंने आ, मैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से पढ़ा हूँ तो हर दूसरा लड़का हिंदू कॉलेज के बाद मेरे, मेरा बगल में ही था किरोड़ी मल किरोड़ी मल में आप आप हैं तो मेरी श्रीराम श्रीराम तो क्या होता था कि वहाँ हर जो दूसरा शख्स होता था वो आईएएस सिविल सर्विस की तैयारी करता था और जो मेरे रूममेट थे जिन्होंने सिविल सर्विस क्लियर किया प्रवेश रंजन झा आ, तो हमें उनसे एक ही उम्मीद थी कि हम जो यूनिवर्सिटी में घूमते हैं हमारी बाइक सीज हो जाती है पुलिस पकड़ लेते हैं जब ये बन जाएंगे तो हमें छोड़ा देंगे तो ये हम हमने उनसे वादा लिया था और आप जी यकीन कीजिए कि जब हमें इंडिया गेट पर कभी कभी पकड़ लेते हैं तो उनको फोन कर देता हूँ बोलते तो क्या कर रहे हो सेक्रेटेट में बैठा हुआ मीटिंग में बात कीजिए पहले छुड़वाइए करवा अगर आपने तो हमारा एक ही लक्ष्य होता था उस टाइम कि मुखर्जी नगर के उस बत्ररा सिनेमा में कौन सी मूवी लगने वाली है फ्राइडे को और चूंकि टिकटें ब्लैक होती थी तो हमें याद है कि एक टिकट जो ब्लैक करता था उसको हमने पकड़ लिया था कि तू ब्लैक करता है पुलिस पुलिस को बुलाएंगे तो उसने हमसे बोला था कि मंडवाली कर लेते तो हमें तब समझ में मंडवाली होती क्या तो उसने कहा कि कम से कम मैं आपको जब भी फ़िल्म हुआ करेगी आपको टिकटें प्राइस टू प्राइस दे दिया करूँगा तो हमने मंडवाली कर लिया था तो वो हमें कम से कम दस रुपये की फ्रंट पर स्टॉल जो देता था वो बतरा सिनेमा की दे देता था तो वहीं बैठ के हमने बड़े सपने देखे देखते थे फिल्म देख के आते थे और रात को घर जाते थे लगता था नहीं नहीं अब जाएंगे और हम भी आ, वो कर देंगे तो वहाँ से यू का तो हमें नहीं हुआ और आ, मुझे याद है कि मेरे ऊपर भी एक रहते थे सीनियर तो मेंस का रिजल्ट आया था तो उनका हुआ नहीं था तो वो गायब हो गए थे कहीं भाग भाग गए थे तो सब खोज रहा था भैया कहाँ गए पता नहीं बहुत मायूस हो गए डिप्रेशन हो गए तो उस माहौल को देखा उस परिवेश को देखा लेकिन हमारा लक्ष्य तो सिर्फ़ एक ही तरफ था एक्टिंग की तरफ उसके अलावा कोई नज़र नहीं आता था तो मगर मेरे आस के लोगों ने किया तो उसको तब नहीं फील कर पाए लेकिन जब फिल्म करने की बारी आई जब लोगों से मिले जब इंट्रैक्शन हुआ जब उनकी लाइफ के बारे में जाना तो लगा कि अगर सही में उस वक्त मिल लिए होते होते तो शायद हम हम भी बन गए अच्छा एक बहुत हम सुनते हैं पापा कलेक्टर है। हमारे कलेक्टर हैं भैया हमारे डीसीपी हैं डीएस मतलब बहुत धौंस होती है आई मतलब एकदम मतलब आई मुझे लगता है जितना वो खुद इंजॉय नहीं करते हो गए बींग आएस, जितना उनको छोटा मोटा भी जानना मतलब आई का माली भी होगा तो उस माली का भी कोई मतलब दूर का रिश्तेदार होगा जानता नहीं है वो कलेक्टर हैं तो आपने आई की ज़िंदगी को कितना करीब से जाना इस फिल्म के दौरान मतलब आपको क्या लगा कि सबसे जो हम ग्लोरीफाई करते हैं कि क्या उतनी ग्लोरीफाइड होती है ये um, जो जर्नी थी आई एस ऑफिसर बनने की जो इनकी कैरेक्टर की थी वो इन्होंने जी तो मैंने वो सिर्फ आपने आ, देखा इन, उसको कहीं ना हाँ मैंने देखा हुँ. वो इंटरेक्शन है हम लोगों का एक सीन है मूवी में जहाँ पर ये बात करते हैं कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो उसमें आ, कोटा की भी बात हुई है उसमें इनकी मायूसी की भी बात हुई है कि हमने तो बहुत पढ़ाई करी है तो वो जो मेरा कैरेक्टर उनसे बात करता है तो क्या हुआ फिर से अटैम्प्ट करेंगे सो वो इंटरेक्शन से मुझे थोड़ा सा लगा कि वाह मायूस तो एक्चुअली में चलो ये तो ऑन स्क्रीन है लेकिन ऑफ स्क्रीन ऑल्सो जितने लोग मायूस होते होंगे पर उठने में जितनी हिम्मत चाहिए तो वो हिम्मत हमने इनफैक्ट आज जितने भी टॉपर्स थे आज का इंटरव्यू था यहाँ पे तो वहाँ पर उन लोगों का हमने जिस तरह से एटीट्यूड देखा जैसे वो मोटिवेटेड है वो देखकर पर्सनल लाइफ में भी चाहे कुछ भी कर रहे हो ना इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग सो मैंने वहाँ तक देखा आज मुझे थोड़ी आंखें और खुली क्योंकि हम वी मेट रियल पीपल जिन्होंने एक्चुअली में टॉप किया है एंड क्लियर किए हैं एग्ज़ाम्स तो उनकी कहानी सुनकर भी लगता है कि वाओ और हमारी फिल्म में भी जो कहानी है वो ऐसी ही है क्योंकि ये है तो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड सो या सो कहीं ना कहीं आप देख ही लेते हो कैरेक्टर में पर सबसे ज़्यादा इन्होंने जिया आपको लगा कितना ग्लोरीफाई किया जाता है जो वो धुआँ से एक होती है जो लोग देते हैं आ, नहीं क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे सीनियर्स हमारे उन्होंने आ, किया हुआ खैसर खालिद साहब हैं जो नाइन्टी बैच के आई हैं बहुत यंग एज पे बाईस तेईस साल में आई बन गए थे और उनकी ज़िंदगी को मैं देखता हूँ कि बहुत काबिल तारीफ़ है मतलब आज के दौर में भी वो कमिश्नर ऑफ पुलिस रेलवे हैं बिल्कुल जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर कभी भी होता है बैंग ऑन है तो मैं देखता हूँ कि उसको छोड़ करके उन्होंने बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ उनकी होती है सोशल ऐशूज़ होता है मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं उनमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत कल मेरी ऐसे बात हो रही थी तो उनकी ज़िंदगी में वो बता रहे थे कि मैं चौथी से लेकर के बारहवीं तक तो हिंदी और उर्दू मीडियम में पढ़ाई की पहली बार कॉलेज में गया तो मुझे पता चला कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई क्या होती है और उसके बावजूद वो गांव में जब रहते थे बिहार के लालटाइन में पढ़ाई करते थे और फिर भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते कहते थे जब मैं दसवीं में था तो बारहवीं की किताब पढ़ता था बारहवीं में होता था ग्रेजुएशन पढ़ता था तो उतने नॉलेज होने के बावजूद ही मतलब हिंदी मीडियम होने के बावजूद भी पहले दूसरे अटैम में ही उन्होंने क्लियर करके एक आई बन गया तो जो

अल्टीमेटली वो ये भी त्याग करने के लिए छोड़ देता है कि मुझे आई एस बनना ही नहीं है क्यों मुझे कुछ और तरीके से पैसा कमाना जब दोस्त कहता है कि तुम्हारे माँ बाप का सपना था अरमानों की ट्रेन पर तो वो कहता है कि उसकी जस्टिफिकेशन सुनिए वो क्या जस्टिफिकेशन देता प्यार के लिए कि हम अप्लीकेशन दिए थे कि पैदा करो और पैदा करके अरमानों की सूली पे चढ़ा दो और जो आई एस नहीं बनता वो आई एस जिंदगी जिंदगी नहीं होती और क्या गारंटी कि हम आई एस बन भी गए तो किसी पांचवी पास को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा अच्छा चलो माना कि हमने बहुत मेहनत की हमने एक मुक़ाम हासिल कर लिया तो लास्ट में क्या मिलेगा थोड़ी सी पी और थोड़ी सी ग्रेजुएटी और तुम इसके लिए चाहता पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे तो प्यार में

ये हो गया इतने अटेम्प्ट में हम एग्जाम पास हो गया अब पापा कह रहे हैं शादी के लिए अब नाउ आई एम आल्सो इंटरेस्टेड लड़कियों के लिए नाउ आई एम इंटरेस्टेड मतलब वो पूरा पार करने के बाद जर्नी अब हम इंटरेस्टेड हैं हां अच्छा वैसे लड़कियां इंप्रेस होती हैं बीइंग अ गर्ल आप इंप्रेस होंगी मैं किसी के प्रोफेशन से इंप्रेस नहीं होती

ये आप न्यूज में मेनली फोकस करती नहीं मैं एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी करती थी तो so, कभी न्यूज एक्स में ऐसा होता था कि uh, हम थोड़े से फ्रेश यंग टाइप एंकर से तो जब हम लोगों का न्यूज बुलेटिन फिनिश हुआ तो हमारे जो अगर एंटरटेनमेंट एंकर नहीं है और कुछ सेगमेंट जाना है चलो लगा तो <laughs> किस, किसी का इंटरव्यू किया है। है। कुछ याद है मैंने मैंने लाइव लाइव इंटरव्यू इंटरव्यू किसी का का नहीं किया मैं ha, ha. Uh, uh, ha, ha. Uh, किया किया मेनली पॉलिटिकल तो पर्सनालिटीज़ उनका एक बार uh, मुशर्रफ़ जी का किया था था एंड एंड दैट वाज़ द द बिगेस्ट जब भी कुछ होता ऑफ़ कोर्स तो, होते थे चीफ मिनिस्टर और

बहुत सरियर फीलिंग थी मतलब मैं तो बहुत ही सिमिलर हूँ मैं जैसे पहले थी तो में, मेरे में ज्यादा चेंजेस नहीं आए तो स, मेरे से ज्यादा उनको सरप्राइजिंग <laughs> था कि, exactly. तो क्यों नहीं दिखा रही <laughs> हा, 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 so, like, <laughs> क्या <tantrum? laughs> मतलब फॉर मी यू नो होम ग्राउंड आप जब आते हो आप जब बहुत शुरुआत करते हो अपने करियर की आप जिन लोगों को मिले होते हो आप वैसे ही रहते हो फिर आप दुनिया देखते हो एंड लेकिन जब भी आप वो होम ग्राउंड वापस आते हो ना आप बदल नहीं सकते मैं तभी भी जिनको सर बोलती थी आज के टाइम पे मैं उनको सर बोलती हूँ वो एक्सपेक्ट नहीं करती कर हूँ कर वो कर लिया बट आई आई कॉल देम द सेम सर तो वो उनको होता है सर मत बोलिए रही मैं तभी भी बोलती थी अभी भी बोलती हूँ आगे भी आप ऐसे ही रहें ऐसे ही बोलती Thank रहें you. सर बोलती रहें ताकि मतलब <laughs> ग्राउंडेड रहें क्योंकि जो ग्राउंडेड लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट अलग होती है हम भी बहुत से लोगों से मिलते हैं वो हमको लगता है कि कई बार कुछ लोग

उस उन एक शख्स को देख करके मुझे आ, उन्होंने एक मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट सुनाया था कि मैं जब नेल्सन मंडेला से मिलने के लिए साउथ अफ्रीका में गया था पर बीस पच्चीस मिनट की बात हुई तो नेल्सन मंडेला की एक ऑटोग्राफी उनकी बुक थी तो मैंने कहा सर आप साइन कर दीजिए तो उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया मैं बहुत खुशी खुशी ले करके बाहर आया और जब बाहर आकर के देखा तो उन्होंने लिखा टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महेश भट्ट तो उन्होंने कहा कि मेरे आई गॉट गूज बम की इतना महान आदमी जो है उसने ऐसा मुझ में क्या 20-25 मिनट में देख लिया और फिर मैंने सोचा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन ये है और ये भी मैंने सोचा कि एक बड़ा आदमी ही आपको बड़ा महसूस करा सकता है एक छोटा आदमी हमेशा आपको छोटा महसूस कराता है सो सो so, so इस प्रोसेस से महेश भट्ट की क्या खासियत है कि हमेशा मुझे एक मोटिवेशन ये बताते रहते थे इमरान अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो तो अगर आपने लार्जर देन इमेज पर्सन महेश भट्ट जिंदगी में जब बहुत छोटे छोटे थे जब आशिकी दिल है कि मानता नहीं सड़क चलती थी हम लोग कैसेट लाते थे रिमिक्स वाला लाते थे आ, कि वो रिमिक्स वर्जन ऑफ गोवा गया उस जैसे शख्सियत का मिलना मेरी लाइफ में दुबई में मैं उनसे मिला था आ, कैसे तो, मिले मैं इस पर भी जानना चाह रहा हूँ कि वो आपकी जिंदगी में आए कैसे देखिए क्या होता है कि जब आप नए नवेले सपना देखते हैं ख्वाब देखते हैं और आप एक एक्टिंग के बड़े एस्पायर होते हैं और आपको हमेशा स्कूल कॉलेजेस में ऐसे कहा जाता है कि तू तो हीरो लाए एक्टिंग कर सकता है और आपको एक ऐसा इवेंट आता है एक ऐसा मौका आता है कि दुबई जैसे सरजमी पे आपको पता चलता है कि महेश भट्ट चीफ गेस्ट है जिसमें आप भी इवेंट में जा रहे होते हैं और आपको बस ऐसा लगता है कि काश ऐसा हो कि महेश भट्ट की नज़र मुझ पर पड़े और वो कह दें कि यही है यही है।, है वो यही है वो और, और सच में जब ऐसा होता है तो आपको थोड़े से टाइम के लिए यकीन नहीं होता आपको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपका दिल रखने के लिए कि एक बच्चा थोड़ा ंगस आए इसको दिल रखने के लिए इसको बोल दिया हो मगर जब वो मुंबई वापस आए और आ, उन्होंने हमारी कुछ तस्वीरें मंगवाईं और मैंने बड़े अच्छे से पोस्ट करके वो पिक्चर भेजी तो उन्होंने मुझे फ़ोन करने के लिए कहा जिसके थ्रू मंगवाई थी बोला कि मुझे डोंट वांट ए पोस्ट पिक्चर मैं चाहता हूँ तो तुम अपनी सिंपल नॉर्मल इंसान वाली तस्वीर भेजो चश्मा वश्मा लगा करके नहीं सो फिर मैं गया और मैंने वो तस्वीरें भेजी फिर हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ हम एक फिल्म कर रहे थे चंद्रशेखर प्रसाद पर जेन्यू लीडर थे चंदू बहुत कुछ बढ़ा मगर वो फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी में रह गई फंस गई तो बड़े मायूस थे तो उन्होंने मुझे कहा था कोई बात नहीं बहुत लंबा सफ़र होता है और जब घर से निकलता आदमी तो कहीं ना कहीं पहुँच जाता है और तब उन्होंने कहा कि मुंतजर जैदी का मैंने खिस्सा सुनाया था जिसने जॉर्ज बुश पर जूता मारा था तो मैंने कहा कि सर क्या इसकी ज़िंदगी पर हम एक नाटक कर सकते हैं स्टेज प्ले कर सकते हैं और तब हमने हमारी ज़िंदगी का पहला एक प्रोफेशनल शुरू हुआ 2011 में जिसके हमने सौ से ज़्यादा शो किया और वो जॉर्ज बुश पे जिस जर्नलिस्ट ने जूता मारा था उसने किताब लिखी थी ऑटोबायोग्राफी उस किताब को हमने इराक़ से मंगाया और भट्ट साहब ने कहा कि देखो मुझे अगर ये आदमी शो में नहीं रहेगा तो हमारा शो कुछ नहीं है और हमने बड़ी मेहनत की होम मिनिस्ट्री से पी से लड़ाई लड़ करके और फिर वो इंसान इंडिया आया था वो जर्नलिस्ट और उसके सामने हमने वो नाटक किया था तो वो एक बहुत बड़ा मेरे जिंदगी का इवेंट था और जब उसने जूता मारा था जॉर्ज बश को तो उसके पास एक अंगूठी थी जो उसके फादर की थी तो उसने अपने कैमरामैन को दे दिया था कि भाई मैं तो जब जूता मारूंगा तो स्नाइपर्स विल शूट मी क्योंकि तो ये सच में कि मैं तो, मरना ही है मुझे ज़िंदा तो रहूंगा नहीं मैं तो मेरे फादर की अंगूठी ये मेरे घर में सिस्टर को दे देना लेकिन जब वो वापस आया जब चीज़ें हुई इंडिया में आई कि उसने तो बोला आई वॉन्ट टू गो तो टू तो राजघाट और वो राजघाट गया और महात्मा गांधी के समाधि पे उसने अंगूठी उठा करके चढ़ा दी वही अंगूठी जो उसने वो की थी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फ्रंट पेज हेडलाइन लगाई थी उस दिन शू फॉर बुश रिंग फॉर गांधी तो वो वहां से हमारी शुरुआत हुई फिर हमने भट्ट साहब के बहुत सारे नाटकों को अर्थ जो उनका बड़ा इतनी बड़ी फिल्म है डैडी जिसमें आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अनुपम खेर हमारी अधूरी कहानी तो मतलब इतने बड़े होकर के भी उन्होंने इतनी क्लासिकल चीज़ों को इजाजत दिया कि और उनको प्रेजेंट किया नाटकों को तो हमारा जो एक बॉन्डिंग है हमारा जो एक सिलसिला है एक आ, वो इस तरीके से धीरे 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 बढ़ता रहा और जब हमने फिल्म की तो आ, हमें मतलब बिना भट्ट साहब के हम कैसे कर सकते थे तो फिर हमने हमारी फ्रेंड है सोरिता दास जो कि क्रिएटिव कंसल्टेंट भी हैं तो उनसे है, और उन लोगों ने कहा कि सर यू हैव टू क्योंकि आपसे शुरुआत हो फिल्म आपसे ख़त्म हो तो इस तरीके से हो अच्छा श्रुति जब आप रियल आई एस टॉपर्स से मिली सबसे शॉकिंग चीज़ क्या लगी हम एक इमेज बना के चलते हैं उनकी की और बड़े पढ़ाकू होते होंगे नेचुरल सी बात है पढ़ते हैं तभी बने exactly, लेकिन, uh, uh, हमें ना अलग अलग लोग मिले आज और उसमें सबकी कहानी में एक चीज कुछ कॉमन जो थी पहले तो मैं बोलूंगी अपार्ट फ्रॉम फैक्ट इन्होंने बहुत पढ़ाई करी है वो है सपोर्ट सिस्टम उन सबका ना सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं अपना मंजिल पर हैं और आप मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप वो नहीं अचीव कर पाएंगे तो मुझे एक तो ये समझ आया इनके में और दूसरा कि उनमें से एक थे जिनके कार एक्सीडेंट में uh, पैर और यू you नो know, हाथ नहीं रहे फिर भी उन्होंने अटैम्प्ट करके एग्ज़ाम uh, क्लियर किया मैं उनकी कहानी सुनकर सीरियसली बहुत शौकू शॉक इज़ नॉट द वर्ड बट मोटिवेटेड लाइक सरप्राइज की कैसे अरे वो स्माइलिंग वो हर पूरे टाइम वो सिर्फ स्माइल कर रहे थे एंड मैं वो चीज़ अप्लाई कर रही थी अपनी लाइफ में कि मैं कितनी बार जब गिरती हूँ तो इतना समय निकल जाता है ऐसे डीमोटिवेट या ढीला होकर कि अच्छा ये है वो है मतलब जिस तरह से वो वापस उठे अपनी लाइफ में कहते मैंने ये देख लिया तो फिर बाकी चीज़ें तो बहुत छोटी हैं कहते और तो मुझे वो लगा कि Uh, शायद मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सब बहुत पढ़ाकू होंगे बट ऑकि सब के लिए यू you नो know, एक तरह के लोग होंगे जो कि ऐसे करते होंगे क्लियर uh, करते होंगे एग्जाम पर ऐसा नहीं है ऐसा, हम हम लोग भी अगर उन वैसा माइंड सेट अडोप्ट करें हम तीनों आई थिंक थोड़ी देर हो गई है लेकिन अगर हम तीनों भी वैसा माइंड सेट अडोप्ट करें और जिस तरह से वो कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहे हैं ये नहीं कि एक बार कर लिया तो वो हो गए वो मुझे लगा कि uh,

अली विश्री कॉलेज से फिलासफी पढ़कर मैं न्यूज़ में क्यों गई उन्होंने कहा योर डिसीजन मैंने चार साल यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स में बिताया न्यूज़ एंकर एंड प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स तो उसके बाद फिर जब मैंने शिफ्ट करने की नौकरी छोड़ी तो फिर मैंने ट्रैवल शो उठाया तभी भी वो ठीक थे <laughs> कि चलो ओके okay, अभी कुछ इंटरेस्टिंग कर रही है था उनको दिमाग में कि हम शो देखते थे पक्का ठीक डिसीजन है तो एक दो बार क्वेश्चन किया तो मैंने कहा हाँ तो मेरी बहन उस टाइम पे बॉम्बे में थी वो जॉब में थी तो मुझे पता था कि मैं बॉम्बे जा सकती हूँ मुझे इमीडिएट खर्चा नहीं करना पड़ेगा घर नहीं ढूंढना पड़ेगा सो आई हैड एटलीस्ट दो महीने हाँ और वो मूव कर रही थी बॉम्बे से तो मेरे किस्मत की बात भी थी कि मेरे पास दो महीने के लिए घर था सो so मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर बॉम्बे गई मैंने पेरेंट्स को ऐसा ये नहीं बताया था कि मैं एक्टर बनने जा रही हूँ बिकॉज शायद Uh, मैं एग्जैक्टली exactly सिर्फ एक्टिंग करने नहीं मैंने अपने सारे अपने लिए सारे के सारे दरवाजे को ओपन रखे थे सो आई वॉज ट्राइंग फॉर ऑल काइंड ऑफ एंकरिंग ऑल फील्ड लाइफ स्टाइल स्पॉर्ट्स ट्रैवल न्यूज़ तो अभी नहीं था मेरा प्लान में इवन एक्टिंग इनफैक्ट कास्टिंग जितने थे एजेंट्स उनको मैंने फॉरवर्ड किया तो so, मैंने अपने लिए सारे रास्ते खोल दिए जैसे ही रास्ते से मेरे को रिस्पॉन्स मिला एंड मेरे पेरेंट्स को बताया तो उनको वो फर्स्ट वॉज लाइक हाँ मतलब दे वेरी एक्साइटेड क्योंकि उन्होंने मुझे स्ट्रगल करते हुए right. देखा अब पेरेंट्स कब बोलते हैं जब वो देखते हैं कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है कि क्यों छोड़ी नौकरी इतना मशक इतनी स्ट्रगल हो रही है पर मेरा वो स्ट्रगल पीरियड रहा नहीं मेरा स्ट्रगल पीरियड बाद में आया वैन आफ्टर फ्यू ईयर्स आई डिड अ लॉर्ड ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स देन उसके बाद मुझे था इसके बाद क्या

इससे ऊपर ही है अब दे वर हैप्पी दे वर वेरी कॉन्फिडेंट ये कहीं भी जा रही है ना मतलब अच्छा ही कर रही है तो दे नेवर रियली डाउटेड दैट अच्छा मैम आप जब मिले आईएएस ऑफिसर्स रियल आईएएस ऑफिसर्स एंड वेरी इंस्पायरिंग जैसा कि श्रुति ने भी बताया और आपने कैरेक्टर भी प्ले किया आपका क्या मतलब फीलिंग थी मैंने मैं आपको सही बताऊं कि मैंने आपको कहा कि मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं मेरे सीनियर हैं फ्रेंड हैं बैचमेट हैं मगर मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था कि उनकी स्ट्रगल उनकी जर्नी क्या होती है आज जैसे क्या होता है कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि हम और आप स्कूल में पढ़े हैं स्कूल में पहली क्लास से दसवीं तक जब हम पढ़ते हैं तो एक बच्चा चालीस लाता है एक नाइन्टी लाता है तो हम नाइन्टी वाले की मेहनत रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम सब एक ही क्लास में बैठे हैं हमें लगता है कि हमारे जो बराबरी है वो तो इसलिए हमने जब शुरू किया लोगों से मिलना लोगों से बात करना लोगों की जर्नी लोगों के इंटरव्यूज़ देखना शुरू किया तब एहसास हुआ कि इतना इतना क्योंकि एक लिमिटेड ऑप्शन हैं लाखों दस लाख में से सिर्फ नौ सौ निकल करके आ रहे हैं एक बहुत बड़ा सपना आपने देखा हुआ है शायद उससे बड़ा सपना कुछ नहीं हो सकता है अगर आपने वो किया हुआ करके और जो हमारे नायक हैं गो, जो गोविंद जायसवाल जो थे उनकी ज़िंदगी जो थी वो बड़ी तकलीफ़ भरी थी बचपन से उन्होंने बहुत तकलीफ़ देखा था बहनों भाइयों के साथ एक कमरे में रहते थे और आज जब ये बोल रहे थे ना तो मुझे याद आया गोविंद जसवाल ने बताया कि जैसे रात को सोए थे कि कल सुबह रिजल्ट आना तो अगर तो खुला आसमान था घर के ऊपर कमरे में तो हम वो देख रहे थे चांद तारे और ये सोच रहे थे कि कल अगर बन गए तो आई ठीक है वरना फिर चांद तारे ही देखना पड़ेगा अभी कुछ सालों तक लेकर के लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कहानी किरदार जो होता है मैं ये मानता हूँ कि जो रचनाकार होता है जो राइटर होता है जो लेखक होता है वो जो पिरोता है कहानियों को ना उसकी जो लाइंस होती हैं जैसे इन्होंने कहा कि एक बहुत इमोशनल लेटर है तो जो हमारे राइटर है दिनेश गौतम इतनी खूबसूरती से उन्होंने लिखा है कि हर लफ्ज़ हर लाइन पे आपका दिल लगता है कि आपके चीज़ें हो जाए आज जब बच्चे कह रहे थे कि हमारे माँ बाप इंस्पिरेशन हैं हम उनको देख कर तो हमारे राइटर ने जो किरदार उनके माँ बाप का जो कि हमने दिखाया नहीं है मगर उनकी बातों में भी जो आता है ना तो मैं कहता हूँ कि ये मैंने पढ़ा था कि अनुराग कश्यप के एक इंटरव्यू में मनोज वाजपेयी में कि अनुराग ने सत्या की लाइनें लिखी थी तो कहता जब मेरा दोस्त लिख रहा था लाइन तो मुझे पता था कि वो लाइन बहुत खूबसूरत होंगी तो जब हमारे दोस्त ने लाइन्स लिखी हमारे लिए और बहुत लिमिटेड रिसोर्स था कि हम उसका फ्लैशबैक बचपन नहीं शूट कर सकते थे माँ बाप को हमने कहीं नहीं दिखाया सिर्फ बातों में लाया तो एक एक्टर को सिर्फ लाइंस के जरिए ही वो Sorry. इमोशन इमोट आ, करना पड़ता है तो आपने कहा कि आई के साथ तो इनकी जर्नी को जब हमने देखा तो हमने देखा कि इतनी तकलीफ दे रही थी खास करके गोविंद जायसवाल ने जूते के शॉप में भी काम किया उन्होंने बताया और फादर के पास रिक्शा था तो उसको भी उन्होंने बेच दिया फादर इतने बीमार पड़ गए थे कि पानी में रोटी डुबा कर खाते थे इलाज कराने का पैसा नहीं था और उसके बावजूद ये बेचारे खड़े थे कि मुझे निकालना और फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने निकाला जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था कोड भी नहीं था इनके पास वो भी किसी से इन्होंने मांग के लिए तब आपको इनके पेन इनकी चीज़ों को समझ में आता है कि भाई हम लोग तो फिर भी मतलब एक जगह से आए जहाँ एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें तो हमें मिल रही थी ना सो so, इन लोगों के स्ट्रगल उनके भी वैसे ही इक्वली होते हैं जिन्होंने जिनकी हार्डशिप नहीं होती जैसे मेरे रूममेट थे सब कुछ था एक नौकर भी था सब कुछ थी बट उनके भी स्ट्रगल बहुत रहे होंगे मगर मुझे लगता है कि इतनी मोटिवेशनल चीज़ें अगर हमने पहले शायद फील कर लिया होता तो यकीन जाने कि मैं भी कहीं ना कहीं उस नौ में से एक निकाल लेता ऐसा मुझे लगता है कि तो मोटिवेटेड तो हो गए दोबारा तो इरादा नहीं है नहीं अब अब वो अब अब उमर, वो उम्र उम्र निकल गई तो अब किरदारों में ही कर सकते हैं और चूंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हमने सोचा है कि हम अब दिल्ली दूर नहीं पार्ट टू बनाएंगे जिसमें अब है जो भी किरदार है उसको ये जर्नी जो एक स्ट्रगल के बाद, सर्विस सर्विस बाद फील्ड में जाते हैं तो उसको हम करने नहीं। की दिल्द आने वाला हाँ बिल्कुल हम उसपे अच्छा आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे इस फिल्म के थ्रू ही जाना नहीं नहीं इस फिल्म के थ्रू इस फिल्म के थ्रू जाना अब

अच्छा इन पे आगा। हाँ आगा। किस बात <laughs> <आगा>। <laughs> मेरे पास आंसर रेडी है, है। तुम्हारा ना एक इमोशनल सीन चल रहा था और आई थिंक uh, तो तब तब इमरान का नहीं था इमोशनल सीन इमरान इसमें है कि मेरे फादर को पुलिस ले जाती है और मैं और मेरा भाई रो रहे हैं मतलब रो रहे हैं बिलख रहे हैं परेशान हो रहे हैं हमारे पापा को ले गए तो उसमें इमरान तो चिल कर रहे थे और हम लोग रो रहे हैं यहाँ पे आँसू से एक टेक दो टेक कभी लाइटिंग खराब हो गई कभी कुछ हो गया कहते अच्छा साउंड नहीं आया वो नहीं आया तो जो हम एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या वो ऑलरेडी हमारी पेशेंस टेस्ट हो रही थी कि हमने अपना फर्स्ट टेक तो इतना अच्छा दे दिया तो हमारे चौथा पाँचवा टेक तक आ गया क्या हो गया फिर तो हम बैठे हम लोग बैठे हुए हैं हम मैं मेरे फादर और मेरे ब्रदर जो ऑन स्क्रीन है कि अच्छा चलिए अब जब ये कैमरा सेटअप रेडी होगा तो हम वापस अपने आंसू बहाएंगे तो हम लोग पूरे मूड में थे वहां पे खुश खुश इमरान आते हैं है, ये देखा आपने देखा और हम तीनों ने ना मुड़के एकदम ऐसे लुक दी कि आपको दिखनी ना हम लोग लो परेशान हो गए दो घंटे से रोते रोते थक गए इमरान ने वो समझ गए की रॉन्ग टाइमिंग वो फिर वो चुपचाप पीछे चले गए <laughs> कि ओके अभी नहीं टच करता मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा ये थोड़ा सा मामला गर्म है मुझे बॉर्डर का मथुरा दास याद आ गया लड़ाई हो रही है वो कह रहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, मैं जब खेलते हैं आपको आया गुस्सा इन पे कुछ ऐसा तो हमेशा आपको बताना पड़ेगा ज्यादा नहीं होता है एक्ट्रेस एक्ट्रेस के साथ बस यही होता है मेकअप तो उसमें आज तो आपने टाइम लिया उनसे, नहीं तो नॉर्मली बस वही होता है कि आप एक्टर्स बेचारा वो तो होता है कि हाँ मैं तो रेडियो करा कर क्योंकि भाई बेचारा हमारा तो किरदार ऐसे सीधा साधा था बेचारा देश के साथ कि पेट निकला हुआ शर्ट फटी हुई चीज़ें बट ये तो दिल्ली की लड़की थी तो इनको ऑब्वियसली कि इनके सीन्स में इनको टाइम लगता था इनको चीज़ों को लेके करने में तो सोचता था अच्छा यार ठीक है बल पढ़ता था कि अच्छा ऐसे लेट होता है आपसे पे खड़े थे बट वैसा नहीं रहा मगर हाँ थोड़ा बहुत कभी बार लगता था कि अच्छा भाई दे टेक लॉर्स ऑफ टाइम फॉर द तैयार होने में रेडी होने में मगर जब फिल्म जब बन जाती तो लगता है कि अच्छा हाँ क्यों ज़रूरी था और क्यों क्योंकि प्रोसेस में आप जब जाते हैं तब आपको आपको तो लगता है अच्छा हम बना रहे हैं मगर जब वो फिल्म दुनिया देखती है जब वो पर्दे पे लगता है छोटी छोटी मैन्यूट चीज़ें होती हैं वो इतना सा आपका वो रहता है वो इतना बड़ा पर्दे पर नजर आता है पूरा फेस आपका स्क्रीन पर तब लगता है कि अच्छा क्यों ये ज़रूरी हो सुंदर दिखना लड़कियों का हक है बिल्कुल 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 अच्छा कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ फिल्म करने का सपना हो या आपका क्रश हो

अनुराग कश्यप के गैंग्स और वसीपुर के बारे में तो मैं पहुंच करके उनसे कोई ना कोई मुझे बहुत मुझे फिल्म बहुत पसंद है मतलब वो चूँकि बुकारो धनबाद बहुत लोगों की बड़ी फेवरेट तो तो मतलब और वो हमारे बुकारो धनबाद ये धनबाद से इनका बेसिक पड़ता है मैं बुकारों से तो हम लोग के आसपास की तो वो फिल्म को जब जब देखता हूँ उसमें कोई सा भी एक करेक्टर मिल जाता तो मैं ज़रूर अनुराग कश्यप को कहता कि मुझे कुछ भी दे दीजिए मैं फिल्म में फिल्मों की अगर आप बात कहें तो मुझे एक्टर से ज़्यादा जो किरदार खास करके अमोल पालेकर के जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों करें वो किरदार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आ, मैं चाहता हूँ कि उन किरदारों को अगर फिर से उस तरह के किरदारों को लाया जाए आज के वक्त में तो वो ज़्यादा लोगों को कैच करेंगे कनेक्ट करेंगे और उन किरदारों को अभी भी मैं गोलमाल देखता हूँ चाहे आ, छोटी सी बात देखता हूँ चाहे आ, ऐसी कोई भी फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी की कोई सी भी फिल्में उठा करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं वो फिल्मों को वापस आना बहुत जरूरी है ये जो फिल्में आज के टाइम पे आ रही हैं ये इस मोर ऑफ ए रोबोटिक फिल्म इस मोर ऑफ ए वीडियो गेम फिल्म इनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो इनको जैसे मैं किसी से बात कर रहा था मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ दिलवाले वाले ले जाएंगे गाना क्या बैठ के याद करते थे संडे है चलो आज गाना याद करेंगे ले जाएंगे आज के टाइम में मुझे था था। किसी फिल्म के दो लाइन गाकर सुना दो बड़ी सी बड़ी फिल्म के बड़े से बड़े सिंगर बिल्कुल ये आप पुराने गाने चल रहे हो आप उसके साथ गुनगुना रहे हो ना लाइन टू लाइन आपने कभी याद किया था बैठ करके कभी नहीं।, नहीं किया था ना।, ना कैसे गा लेते हैं उसको तो वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि एक चीज़ आप कनेक्टिविटी दिल से बनी हुई होती है तो मुझे लगता है कि एक्टर से ज्यादा वो किरदार मुझे चाहिए आज के दौर में अगर हम कुछ कर रहे हो और कुछ बना रहे हो तो उन किरदारों को वापस लाने की जरूरत है हीरोइन बताइए ना रोइन के साथ काम करना है फन फन में में भी नहीं, नहीं 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 में नहीं हीरोइन की बात देखिए एक्टर तो चाहता है कि जितनी भी एक्ट्रेस हैं चाहे आज के वक्त में चाहे श्रद्धा कपूर हैं चाहे दीपिका पादुकोण हैं चाहे जो भी हैं चाहे कंगना के साथ हमने थिएटर के वक्त में हम साथ में रहे आ, किसी भी एक्टर्स के साथ आ, आपको मौका मिले इतने सारे ओ के बाद हमने देखा कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स आए चाहे दिल्ली दूर नहीं पार्ट टू में अगर इनकी जगह किसी और को हीरोइन लेना हो तो किसको लेंगे हो रहा है। <laughs> नहीं नहीं अब अब वो तो क्या किरदार लिख करके मतलब आता है क्या चीजें आती है वो तो बेचारा निर्माता वो निर्माता निर्देशक का जोन आप होता है, है समझ मैं, 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 मैं गया इनसे भी पूछूंगा सवाल में ऐसा हाँ नहीं थे थे थे। कि किसको देख सकते हैं मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई ऐसा अभी है जिसको देख सकता हूँ अभी तो फिलहाल मैं अभय शुक्ला के किरदार को ही देख रहा हूँ अभी उससे ज्यादा मैंने वो कहते हैं ना कैनवस को ओपन नहीं किया है तो देखते हैं खेल रहे हैं। मैं भी वही देख इनकी जगह कौन किस किस कौन और हो सकता है मुझे लगता है बिकॉज इनका किरदार जैसे बिहार से जैसे uh, डायलेक्ट वैसे है सो समबडी कैन पिक दैट ऑफ तो वो मुझे नहीं पता बिकॉज उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसी कोई है नहीं अभी uh, हमारी इंडस्ट्री में जो कि यहाँ से है जिनका मेरा भी ध्यान आ रहा है लेकिन मुझे लगता है आपने इससे पहले मुझे पूछा था किससे काम करना चाहूँगी yes. विकी बिकॉज आई नो आई विल लर्न फ्रॉम हिम आई फील लाइक इज अ वेरी गुड एक्टर वेरी फाइन जो उनकी पर्सनैलिटी जितनी पंजाबी है नेचुरली ऑफ कैमरा आई फील वो ऑन कैमरा पर जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एंड एकदम कै की तरह एकदम कैरेक्टर पकड़ते हैं तो मुझे लगता है उनके साथ काम करके आप सीखो सीखेंगे वाले थोड़े दिन में बताऊंगा मैं उनको दिखाऊंगा आपकी ये वाली क्लिप क्या बात है वाह यार अब काम करना चाहते हैं अच्छा ये बताइए खाने पीने का दोनों में से कौन ज्यादा शौकीन है आई लव फूड हाँ मतलब खाने का शौकीन हाँ. बिरयानी हो और नॉन वेज हो और जहाँ भी मौका मिलता है तो चाहे दिल्ली में रहें चाहे बॉम्बे में रहें चाहे हैदराबाद रहें

Uh, हम लोग सीन्स कर रहे थे इर रिस्पेक्टिव लेकिन uh, खाने की शौकीन मुझे लगता है मैं ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं अपने जब न्यूज़ चैनल में भी जब काम करती थी तो मैं अपनी हर छुट्टी में जाती थी चांदनी चौक मेरा फिक्स था या तो यहाँ जाके कचौड़ी खाओ वहाँ पे जलेबियाँ मिलती है जलेबी समोसे आज के टाइम पर भी मैं अपना प्लान ऐसे बनाती हूँ कि हम लोग इस दिन जाएंगे ये करोड़बाग में ये भटूरे वाले ये खा के आना तो मैं बहुत तो बहुत पैशनेट खाने के लिए so, yeah. चाय का कौन शौकीन है चाय चाय मुझे चाए मैं, मैं मैं कहीं भी जा रहा हूँ अगर सिर्फ एक इंसान बोले कि नहीं नहीं जा रहा चाय एक कप तो, तो भाई साहब तो मैं आप मैंने आप आपने पूछा तो मैंने मैंने क्या कहा कि बस कुछ चाय पूछ ले बस उसके बाद उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसके बाद वो चाय एक ऐसी चीज है कि उसके आगे कुछ नहीं हो सकता अगर लाइफ में कई बार सुबह होता है ना और ना वो सर्वेंट जब लेट हो रहा होता है तो बस बस एक ही तरफ तो जल्दी और चाय बना करके और कुछ नहीं चाहिए कुछ दुनिया में मिले ना मिले चाय जरूर मिलनी चाहिए चाय वाले नोट पे, पे ही हम आपको बेस्ट विशेष देते हैं ये फिल्म और अभी तो मुझे लगता है सफर शुरू हुआ है चाय की तरह कड़क रहे यस चाय की तरह रहे और दिल्ली दूर नहीं पार्ट टू भी जो है वो जल्द से जल्द

कुछ खराब कहने की गुंजाइश ही ना रहे एंड आई फील हर फीडबैक काउंट करता है चाहे अच्छा बुरा होता है बिल्कुल बिल्कुल तो थैंक यू सो मच थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट बहुत मजा आया आपसे बात करके बहुत मजा आया थैंक यू सो मच श्रुति थैंक यू एंड एक न्यूज़ एंकर का इंटरव्यू मैंने पहली बार किया <laughs> <laughs> और दो एंकरों के बीच में मैं बैठा हुआ वा, वा, जी अभी आप बहुत सभी जिंदा और सही सलामत है है अच्छी बात है सोच लीजिए आप बचे दो एंकर्स के बीच में आज की डेट में नहीं तो आज के एंकर्स कितना चिल्लाते हैं मतलब उनके बीच में तो आप बैठ ही नहीं सकते और इतनी देर तक तो बिल्कुल नहीं बैठे exactly. तो आप सही सलामत है इसका मतलब हम दोनों अच्छे एंकर बिल्कुल अपनी तारीफ खुद ही कर थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल द बेस्ट